हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काउंट इफ फॉर्मूले का यूज। जी हाँ दोस्तों, काउंट इफ फॉर्मूले का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी होता है और काफी आसान तरीका है यूज करने का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेना है, जो भी वर्जन आपके पास है इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट, यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर लीजिए। इतना कर लेने के बाद आपको व्यू पे जाना है। ये जो व्यू है यहाँ पर आपको नाम दे देना है, जैसे जो भी ये व्यू है इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ से मेल एंड फीमेल। तो ये डेटा शीट व्यू में मैंने नाम दे दिया मेल एंड फीमेल। अब इनकी आईडी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कस्टमर आईडी। सपोज कीजिए ये कस्टमर हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कस्टमर आईडी। तो ये दे दिया हमने कस्टमर आईडी, से ऑटो नंबर रखता हूँ। और अब यहाँ पर कस्टमर का नेम आ जाएगा, तो नेम ऑफ कस्टमर कर देता हूँ, नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा कोई डेटाबेस नहीं क्रिएट कर रहा, हम यहाँ पे सिर्फ ये सीखेंगे कि कितने ऐसे कस्टमर आए जो हमारे यहाँ फीमेल थे और कितने ऐसे कस्टमर आए जो मेल थे, ठीक है, इसे हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर कर देता हूँ, तो ये कर दिया हमने जेंडर, ओके, और जेंडर यहाँ पे टेक्स्ट रखता हूँ। और यहाँ से अब व्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ये व्यू पे क्लिक कर दिया हमने, तो यहाँ इस तरीके से आएगा ये। अब हमको यहाँ पे कुछ कस्टमर्स के नाम लिखने हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मोहन, फिर यहाँ लिख दिया जेंडर, मेल मेल के लिए एम लिखूंगा और फीमेल के लिए एफ लिखूंगा। यहाँ पे लिखा राधा, यहाँ पे प्रज्ञा, तो इस तरीके से हमने कुछ नाम लिख लिए हैं। अब इनके जेंडर हमें पता करने हैं कि कितने जेंडर मेल हैं, कितने जेंडर फीमेल है। तो यहाँ पर तो आप आसानी से काउंट कर सकते हो, ये एक मेल, दो मेल, तीन मेल, चार। लेकिन बड़ा डेटाबेस जब यही हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें 20-25 नाम और ऐड कर दिए जाए, जिसमें कौन मेल हो कौन फीमेल हो यहाँ पे एम और एफ से केवल डिनोट किया जाए, और ऐसे 100, 200, 500 नाम हो जाए, तब आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो छोटे तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नाम हमने एंटर कर लिए, इसको सेव कर लेता हूँ एक बार। और अब हम चलेंगे क्रिएट पर, क्रिएट पर आ गए, और यहाँ से आप आ जाएंगे कहाँ पे, यहाँ मोर फॉर्म्स पे। यहाँ पर आने के बाद आपको फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करना है, और फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये तीनों हमें चाहिए, तो ये ले लिए हमने। और हमें डेटा शीट फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में चाहिए यहाँ से ले लेते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म मैं ले लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई डिजाइन करके फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारे सामने रिकॉर्ड खोल करके आ जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से आया हुआ है। अब इसको थोड़ा मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, ये नीचे की तरफ ड्रैग करा हमने, और ये जो फॉर्म का फुटर है ना, इसको भी थोड़ा नीचे ड्रैग करता हूँ। ये ड्रैग कर लिया हमने, थोड़ा और नीचे ड्रैग करते हैं इसको, और इसको भी, ये जो है इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम बटन बनाएंगे। कैसा बटन बनाएंगे, क्वेरी वाली, यानी कि यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां से हम डिजाइन पे जाएंगे और यहां से हम टेक्स्ट बॉक्स चूज कर लेंगे। यहां पर ड्रैग जैसे ही करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। यहां पर टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहां पर ये जो कैप्शन है यहां से आप इसको हटा दें, क्योंकि यहां पर हम फीमेल के नंबर्स काउंट करेंगे, कितने फीमेल्स हमारे यहाँ आए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी करा हमने और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर यही चीज फिर से आ गई, तो इसको यहाँ पे ड्रैग करके और सेट कर लेते हैं। तो अब की बार इसको हम मेल नाम दे देंगे, तो ये जो फीमेल लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर देते हैं मेल में। तो यहाँ लिख दिया हमने मेल, ओके, और मेल लिखने के बाद ये जो फीमेल है इसको हटाना है और यहाँ लिख देना है मेल, ठीक है। और यहाँ पर और यहाँ पर ये दो अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है, तो पहले वाले पे यानी कि फीमेल वाले पे चलना है हमें, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमारे पास खुली हुई है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और आपको ऑल पर जा करके और ये कंट्रोल सोर्स पे आना है, और यहाँ तीन जो डॉट्स बनी हुई यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इज इक्वल टू का निशान लगाइए, लिखिए काउंट, COUNT काउंट लिख दिया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन कीजिए, आई इफ, चूंकि एक्सेस में आई इफ यूज होता है, एक्सेल में इफ यूज होता है। अब यहाँ जेंडर पे क्लिक करिए, तो ये जेंडर आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, हम किसको तलाश कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले हम फीमेल को तलाश कर रहे हैं, तो फीमेल के लिए हमने लिखा एफ, ठीक है। और यहाँ से इसको दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करके ओके कर देता हूँ। अब यहाँ मेल की बात है, तो मेल वाले के यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इज इक्वल टू COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन आई इफ
ब्रैकेट ओपन। अब काउंट इफ में हम यहां जेंडर चूज कर लेंगे, और ये जेंडर चूज करने के बाद इज इक्वल टू, इस बार एम यानी मेल को तलाश कर रहे हैं हम, कॉमा देके जीरो दे दीजिए और दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और ओके प्रेस करिए। यहां से ये हमारा काम हो गया। अब हमको यहां से इस पर क्लिक करना है, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों आया हुआ है। यहां पे मेल नहीं आ रहा है, तो इसको हम सही कर लेते हैं एक बार। यहां से डिजाइन व्यू पे चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, और यहां पर देख सकते हैं ये जो हमने लगाया था, यहां से फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो ये फीमेल काउंटिंग हमारे पास आ रही है, यहां पे देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने अप्लाई किया था। तो ये मेल है और यहाँ पर फीमेल काउंटिंग हमारे पास नहीं आ रही है, तो फीमेल काउंटिंग के लिए फॉर्मूला एक बार फिर से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये नेम मैं हटा देता हूँ, यहाँ फीमेल दे देता हूँ, फीमेल, ठीक है। तो ये फीमेल दे दिया हमने, ये हो गया फीमेल। अब यहाँ से इस पर क्लिक करके और ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है आपको, और इज इक्वल टू काउंट सी ओ यू एन टी आई इफ, और यहां से जेंडर ले लेंगे हम, इज इक्वल टू इस बार फीमेल, तो एफ कर लेंगे फीमेल के लिए, ठीक है, और कॉमा देके जीरो दे देंगे और यहां से बंद कर देंगे इसको। दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए, अब ओके प्रेस कर दीजिए, बस काम हो गया है। यहां से ओके पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देख पाएंगे दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। इसको थोड़ा हम और छोटा कर लेते हैं यहाँ से चाहे तो, ये चीज जो है, ठीक है, और यहाँ से इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देख पाएंगे कि ये सारे नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। चार मेल है, चार फीमेल है, तो पहला मेल, फिर दूसरा मेल, तीसरा मेल और यहाँ पे चौथा मेल, चार लोग मेल है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया अवनीश, ठीक है, और यहाँ पर इनका जो जेंडर है वो हमने दे दिया मेल, ओके, और यहाँ से इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे अपने आप फाइव शो होने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइव शो हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक और रिकॉर्ड हमें एंटर करना है, तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ईशा नाम से एक रिकॉर्ड और एंटर किया हमने, और ये है फीमेल, तो यहाँ पे एफ किया हमने, तो यहाँ पर भी अब फाइव शो होने लगेगा। इसको सेव करता हूं, अब देखिए यहाँ पे फाइव शो होने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसका कई यूज है, आगे चल करके मैं और भी यूज इसका आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और यहां से आप चाहे तो डिजाइन ये चेंज कर सकते हैं, ये जो डिजाइन आपने लिया है ना, इसमें चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। कैसे चेंजिंग करेंगे, यहां पर इसका जो कलर है ना, ये जो कलर यहाँ पे हमने फिल नहीं किया अभी, तो यहां पर जाकर के आप कलर फिल कर सकते हैं, कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगता हो कलर, वो यहां से फिल कर लें, ठीक है। जैसे इसमें ये कलर फिल हो रहा है, तो हम अभी सिलेक्शन में इसको लेंगे, ये जो सिलेक्शन में ये पार्ट है हमारे, अब इस पर क्लिक करेंगे हम, तो ये पूरा जो है इसी कलर में फिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अब जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहां से अगर आप इसको भी, इसमें भी कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई अलग सा डिजाइन लगाना चाहते हैं, तो आप यहां भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चाहे तो यहां भी आप लगा लें, यहां से येलो डिजाइन अगर आप करना चाहते हैं तो यहां से येलो भी हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, लेकिन फिर ये आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से इसका कलर बदलना पड़ेगा, यहाँ से ब्लैक कर दीजिए इसको, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ताकि ये ठीक से दिखाई दे। यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं मेल एंड फीमेल के नाम से है, और यहाँ पे जेंडर दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है यहाँ पे फीमेल वाला बॉक्स, तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करके और बड़ा कर लेंगे इस बॉक्स को, तो अब हमें फीमेल और मेल दोनों ठीक प्रकार से दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसमें कोई और कलर फिल करना, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कलर, यहाँ से जा करके दूसरा कलर फिल कर लें आप, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरह से ये आएगा। ये वाले बॉक्स में कलर फिल हो गया है, तो इस वाले बॉक्स में हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप व्हाइट कलर इसको कर दीजिए तो ये हट जाएगा,
तो अभी आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।